हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो सीज़न अभी आंवले का चल रहा है, तो बस अभी आंवले जाने ही वाले हैं। तो मैंने ना इसे सोचा कि कुछ इसकी थोड़ी सी कैंडी बना के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मेरे घर में मैं सिर्फ अकेली ही खाती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए इतने काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम जितने मैंने आंवले लिए हैं, तो इसकी मैं आंवले से ना आज मैं दो रेसिपी बनाऊँगी। एक तो मैं बनाऊँगी फ्रेश कैंडी, जो कि हम फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, 2 से 3 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं। और एक मैं बनाऊंगी आंवले का जूस इसी से ही। आंवलों को मैंने एक स्टीमर में स्टीम कर लिया था 7 से 8 मिनट के लिए। अभी अच्छे से स्टीम हो गए, ठंडे हो गए। अब मैंने इसकी सारी ये जो कलियां है वो खुली कर दी है, अलग अलग कर दी है, और गुठलियां जो है उसे मैंने निकाल दी है। और एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है गुड़। तो ये 250 ग्राम जितने आंवले है उसके साथ में मैंने लिया है 350 ग्राम गुड़ लिया है मैंने। और इसमें मैं डालूंगी 2 से 3, आप नॉर्मल जो ग्लास होती है हमारी वो आप 2 ग्लास जितना पानी इसमें डाल दीजिए। तो बस अब हमें गुड़ को गलाना है। तो ये कैंडी इतनी मज़ेदार लगती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, ज़्यादा चुई नहीं लगती है, क्योंकि अब जब हम ड्राई कैंडी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चुई रहती है। ऐसा नहीं है कि बाहर ख़राब हो जाएगी, लेकिन सेफ साइड में इसे फ्रिज में रिस्टोर करके रखती हूँ, ताकि ना 2-3 महीने तक आराम से ये मैं जब मेरा मन करता है एक निकालती हूँ और खाती हूँ, बहुत मज़ेदार लगती है। तो देखिए गुड़ के पानी में उबाल आ गया, तो मैंने इसमें सारे आंवले को डाल दिया है। तो एक बार इसे मैं मिक्स कर देती हूँ, और अब मैं इसे इस आंवलों को ना इस पानी में ही उबलने दूंगी, ताकि जो गुड़ का पानी का जो मिठास है ना वो अंदर आंवले के अंदर तक चला जाएगा। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आप रखिए और इसे 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से ना अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 7-8 मिनट हो गए और आंवले देखिए किस तरह से ना थोड़े ट्रांसपेरेंट से दिखने लग जाते हैं। तो समझिए कि बस आंवले अभी रेडी है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब मैं इस गुड़ के पानी में इन आंवलों को ऐसे ही रहने दूंगी जब तक थोड़ा सा ये ठंडे नहीं हो जाए। मैंने 5-6 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और अब इसके बाद में मैं इसे एक छन्नी में रख के छान दूंगी। और जो नीचे गुड़ का पानी है उससे हम बनाएंगे शरबत, लेकिन सबसे पहले हम इन आंवलों को हम धूप में सुखा देंगे कुछ 1-2 घंटे के लिए। सुबह की धूप 1-2 घंटे आप इसे लगाएंगे ना तो इतना ही काफ़ी है। इन आंवलों को बस सिर्फ हमें हल्का सा सूखने देना है। तो देखिए यहाँ पे धूप में मैंने इन आंवलों को एक कपड़े पे, अच्छा क्लीन कपड़ा ले लीजिए आप, और उस पर इन आंवलों को सुखा दीजिए। तो मेरे यहाँ बालकनी में ना सुबह बहुत अच्छी धूप आती है, और तो मैंने यहाँ पे इन आंवलों को सुखाया है। तो आंवले सूखते हैं तब तक हम बनाते हैं शरबत। तो चलिए अब हम बनाएंगे ये जो गुड़ का पानी है, आंवला और गुड़ का पानी। तो खट्टा मीठा तो ऑलरेडी है, तो हमने इसमें ग्लास में सबसे पहले डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है, और ये फ्रेश पुदीना था मेरे पास, तो इसे मैंने थोड़ा सा इसी तरह से हाथ से बस बारीक बारीक मैंने इसे टुकड़े कर दिए। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा आइस क्यूब्स, और इसी के साथ में मैं डालूंगी ये जो आंवला और गुड़ का पानी है। तो ये मैंने ये बड़ा वाला 2 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्राइट, तो आप स्प्राइट डाल सकते हैं, लिमका डाल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये स्प्राइट और लिमका के साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर से ये बनाइए, और इतना रिफ्रेशिंग है। आप इस पानी को ना स्टोर कर दीजिए एक बॉटल में, और गर्मियों का मज़ा लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना। तो अभी आंवले भी ना धूप में अच्छे से सूख गए, तो मैंने यहाँ अंदर अब इसे ले लिया है, और इस पर अब मैं डालूँगी ये पीसी हुई शक्कर मैं डाल रही हूँ। तो देखिए अब ऐसा है ना कि आप इस टाइम पर ये ना ज़्यादा सूखा नहीं है आंवला, तो जैसे ही आप इसमें शक्कर डालेंगे, और ये मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा काला नमक, तो अब इसे हम मिक्स करेंगे ना, तो ये सारा जो शक्कर और नमक है ना ये आंवले के अंदर है ना अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये ना हम जब ड्राई कैंडी बनाते हैं तो वो ऊपर से शक्कर दिखाई देती है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई देगी क्योंकि शक्कर और नमक इसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो बस देखिए ये फ्रेश फ्रेश कैंडी बिल्कुल बनकर तैयार है आंवले की। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, और फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए, बाहर ज़्यादा दिन मत रखिए, आप इसे सेफ साइड फ्रिज में स्टोर करके रखिए। तो आपको ये कैंडी की रेसिपी कैसी लगी और शरबत की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। अब चलते हैं, इसे हम करते हैं टेस्ट।
तो मैंने यहाँ इस बोतल में एक छोटा सा फोक रखा है ताकि हम इस फोक से कैंडी को ले सकते हैं और इसे हम खाएंगे। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ टेस्ट इस कैंडी को, और जैसे ही मैंने मुंह में डाला है ना, ओ माय गॉड, इतना टेस्टी है ये, मैं आपको क्या बताऊँ। और अब बारी है शरबत की। शरबत इतना माइंड ब्लोइंग रिफ्रेशिंग बना है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आपको दिख ही रहा होगा एक्सप्रेशन मेरे फेस पर, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।